गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास एट्थ का हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चिल्ड्रन एट वर्क। तो चलिए बच्चों, आज इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। आई थिंक दो पार्ट मैंने इसके बनाए थे, तीसरा भाग जो है आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, आप अपनी नोटबुक पेन साथ में रखिए, और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है या जहाँ पे आपको थोड़ा जल्दीबाजी हो जाती है या समझने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को थोड़ी देर रोक करके आप ऐसे जो है अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, वाई? कह रहा है कि वेलू कहाँ खड़ा था? प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन अभी तक उसे लग रहा था कि वो मूविंग, चलती हुई ट्रेन में, ऐसा क्यों? तो आपको पता है वो भूखा था, ठीक है, और क्या था, थका हुआ था, दैट्स वाई। तो आप लिखोगे बिकॉज ही वॉज नेचुरली टायर्ड, या आप लिखोगे बिकॉज ही वॉज टायर्ड, TIRED टायर्ड, कॉमा हंगरी, HUNGRY हंगरी, एंड और वो डरा हुआ था टिकट TC से भी। तो आप लिखोगे अफ्रेड, AFRAID अफ्रेड ऑफ द टिकट, TICKET टिकट कलेक्टर कर दो, CULLECTER टिकट कलेक्टर, या टिकट एग्जामाइनर, EXAMINER, ठीक है। तो ये आ गया दूसरा, व्हाट मेड हिम फील मिसरेबल। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, लिखो वेलू वॉज व्हाट मेड हिम फील मिसरेबल। तो लिखो वेलू वॉज अलोन टायर्ड एंड हंग्री, ही डिड नॉट हैव अ टिकट ऑल्सो, सो ही फील्ड मिसरेबल। वेलू वॉज अलोन, ALONE अलोन, टायर्ड एंड हंग्री, HUNGRY हंग्री, ही डिड नॉट हैव अ टिकट ऑल्सो, सो ही फेल्ट मिसरेबल, ठीक है। तीसरा है, वेलू ट्रेवल विदाउट अ टिकट, वाई? वेलू जो है वो बिना टिकट की यात्रा कर रहा था, क्यों? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहा था। वेलू ट्रेवल विदाउट टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी, सीधा लिख दोगे इसको आप, बिकॉज ही हैड नो मनी, ठीक है। अगला है, हाउ डिड ही इस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं, ही इस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम, क्योंकि उस दिन टिकट कलेक्टर आया ही नहीं था, बिकॉज टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम सो दैट अनरिजर्व कंपार्टमेंट, सॉरी डिड नॉट कम टू दैट अनरिजर्व कंपार्टमेंट, या आप इतना ही लिख दो, द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम, बस ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, वाई डिड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वाई डिड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। तो चलिए, क्यों घर से भागा? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द, अब आपको बताओ उसके पापा की वजह से, तो मिसडीड ऑफ हिज फादर, MISDEED, मिसडीड ऑफ हिज फादर हु यूज टू स्नैच, वो क्या कर लेते थे, छीन लेते थे, यूज्ड टू स्नैच, SNATCH स्नैच ऑल द मनी फ्रॉम हिम एंड हिज सिस्टर एंड ऑल्सो एंड ही ऑल्सो बीट द चिल्ड्रन, BEAT बीट द चिल्ड्रन, CHILDREN, और वो बच्चों को मारते भी थे। नेक्स्ट है, वाई डिड डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, वाई डिड डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, स्ट्रेंज गर्ल। तो चलिए, इसका आंसर क्या है, क्यों उसने उस अजनबी लड़की को फॉलो किया? वेलू एग्रीड टू गो आफ्टर द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज, अब यहाँ से फिर आंसर शुरू होता है, ही वॉज हंग्री, HUNGRY हंग्री, भूखा, एंड द गर्ल प्रोमिस, और लड़की ने प्रोमिस किया, गर्ल प्रोमिस्ड, PROMISED प्रोमिस्ड टू गेट फूड फॉर हिम, टू गेट GET फूड फॉर हिम, ठीक है। तो ये तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी, ये हमारी जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो चलिए, आप देखते हैं, इसमें हमने जो दूसरा पार्ट पढ़ा था, हमने
ठीक है, आई थिंक 2 या 3 लेसन में हमने इसको कंप्लीट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्या है इसका देखते हैं। ये है, ये आ गया। कैन, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं कि क्या वेलू तमिल या और इंग्लिश जानता था या पढ़ सकता था। तो आप लिखोगे वेलू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड, क्योंकि आपको पता है जब मैंने आपको बताया था जब वो लड़की के साथ जा रहा था रोड क्रॉस करके, तो बहुत सारे वहाँ साइन बोर्ड लगे थे और वो तमिल में थे और ही डज नॉट नो तमिल लैंग्वेज। तो आप लिखोगे वेलू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड इन इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में वो नहीं जानता था बट ही रीड द तमिल, ठीक है। आप लिखोगे वेलू कुड नॉट रीड साइन SIGN साइन बोर्ड BOARDS बोर्ड्स इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। कहाँ पर पढ़ा था? सेंट्रल जेल में, जहाँ पे सेंट्रल जेल करके लिखा हुआ था, तो उसने वो पढ़ लिया था। दूसरा, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर। अब लड़की ने बोला था ना उसको कि अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो बहुत जल्दी जेल के अंदर जाओगे, सलाखें गिनोगे, ऐसा कुछ आया था। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज सी रिफरिंग टू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सी इज रिफरिंग टू सेंट्रल जेल, ठीक है। उसने किसको रिफर किया था, तो सेंट्रल जेल लिख दोगे CNTRAL सेंट्रल जेल पहला। दूसरा, व्हाट डज द मीन व्हेन सी से इफ यू आर नॉट केयरफुल, इसका क्या मतलब है। तो सी पॉइंट आउट, ठीक है, उसने किसको पॉइंट आउट किया था, सेंट्रल जेल को। सी पॉइंटेड आउट टू वेलू, ठीक है, दैट डूइंग रॉन्ग वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, गलत करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, डूइंग रॉन्ग वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज इस्केपिंग द पुलिस और गेटिंग कॉट। इस्केपिंग ESCAPING escaping the police PULIC police getting 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 CAUGHT caught, ठीक हो गया। अगला है थर्ड वाला, where did the girl lead value to, where कहाँ did the girl lead value to। तो इसका आंसर लिखोगे the girl lead value to a marriage hall, ठीक है। अब यहाँ पर lead, वेयर डिड द गर्ल लीड द वैल्यू टू, अगर डिड डाल दोगे तो आप लिखोगे द गर्ल लेड LED वैल्यू टू अ मैरिज हॉल MARRIAGE मैरिज HALL हॉल। वट डिड दे गेट टू ईट, अब आपको पता है दे गॉट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज, दे गॉट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज GARBAGE गार्बेज बिन BIN बिन। It was leftover food, यह बचा हुआ खाना था। It was left LEFT OVER over food, ठीक हो गया। Next है अगला question आपका, What work did she do, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे, अच्छा What work did she do, Think of a one word answer, थिंक ऑफ अ वर्ड वन वन मिनट। तो बच्चों, व्हाट वर्क डिड सी डू, वह क्या काम करती थी। तो ये बिल्कुल एक शब्द में इसका आंसर है और आप इसको मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे। आपको पता है वो क्या काम करती थी, बस वही चीज़ आपने इसमें लिख देनी है, ठीक है। चलिए थर्ड है, इतना तो आपको थोड़ा, अगर आप इतना लेसन कंप्लीट कर रहे हो, देख रहे हो, तो इतनी चीज़ें तो मेरे को लग रहा है आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार आप दोबारा चैप्टर को पढ़िए और आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब है अगला, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट मेड आउट ऑफ, आपको पता है कि जो हट थी वो किस मटेरियल से बनी हुई थी। तो द स्ट्रेंज हट आर मेड ऑफ टिन सीट, पता है आपको टिन सीट से बनी थी, वुड से बनी थी, प्लास्टिक से बनी थी, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे। सेकेंड, व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, क्यों से वो स्ट्रेंज लगी, ठीक है, क्यों से वो स्ट्रेंज लगी। बिकॉज इन हिज ओन विलेज, जो उसका अपना गांव था, वहाँ क्या था,
मड के बने हुए थे ना, इसलिए उसके लिए सब अजीब था। ठीक है, ओन विलेज द हट वर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्री, ताड़ के पत्ते मैंने बताया था ना, PLM पाम लीव्स, LEAVES पाम लीव्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला है, What sort of thing did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? बहुत आसान क्वेश्चन है कि वो क्या इकट्ठा करते थे और उन चीज़ों का क्या करते थे। तो आप क्या लिखोगे, तो वो क्या इकट्ठा करते थे, they collect प्लास्टिक पेपर, ठीक है, पेपर ग्लास प्लास्टिक, ठीक है, और ये क्या करते थे, ये तो आप आ जाएगा, they collect प्लास्टिक पेपर ग्लास एंड दे, और क्या लिखोगे, दे सोल्ड ऑल, ये सबको बेच देते थे, ठीक है, दे सोल्ड ऑल उन सबको बेच देते थे, ऐसे ही करते थे। चलिए, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिवन अ रीजन फॉर योर ओन आंसर। तो ये तो आपको पता है ही कि वेलू खुश था, है मतलब उस टाइम, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, जब वो काम की खोज कर रहा था तो खुश उस टाइम था या नहीं था, ये आपको पता है। तो आपको पता है खुश तो नहीं था, तो आप लिख दोगे वेलू इज़ नॉट हैप्पी, और क्यों हैप्पी नहीं था, क्योंकि उसने इस तरीके का काम कभी नहीं किया था। तो ही हैड नेवर डन सच डर्टी जॉब इन हिज विलेज, ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी DIRTY डर्टी जॉब JOB जॉब इन हिज विलेज। तो ये भी हो गया। चलिए बच्चों, ये हमारे इस लेसन के हम कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है, तो आप इसको अपनी राइट डाउन अपनी कॉपी में आप इसको कीजिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए।